आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रुपेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रुपेश जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब गांव देहातों में खाना गैस सिलेंडर पर नहीं बल्कि चूल्हे में बना करता था, और अगर अंदाजन कहा जाए तो ये करीबन 22 साल पुरानी बात है। उन दिनों मैं अपनी वाइफ और एक 8 साल के बेटे के साथ गांव में ही रहा करता था। रोजाना की तरह ही एक दिन सुबह मेरे घर का लैंडलाइन फ़ोन बजा। मेरी वाइफ ने रिसीवर उठाया तो पता नहीं सामने कौन था, मगर फ़ोन उठाते ही मेरी वाइफ एकदम से घबराने लगी। उसे इस तरह घबराता देख मैंने पूछा, क्या हुआ, कौन है फ़ोन पर? जिस पर मेरी वाइफ ने रिसीवर रखते हुए बताया कि उसके मायके से फ़ोन था, और फ़ोन पर उसके भैया यानी मेरे साले साहब थे, जिन्होंने बताया कि मेरी वाइफ के माँ की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई है, जिस वजह से मेरी वाइफ को उसके मायके के लिए निकलना होगा। लिहाजन मैंने फटाफट रोहित यानी अपने बेटे को कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया, और सब कुछ हो जाने के बाद मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ स्टेशन पहुंचा और उन्हें ट्रेन में बिठा दिया, और ट्रेन के खुल जाने के बाद मैं वहीं स्टेशन पर से ही काम पर निकल गया, और फिर रात को काम पर से घर लौट आया। चूँकि मुझे खाना बनाना दूर खाने के बारे में कुछ पता तक नहीं था, तो ऐसे में मैं बाहर ही कुछ खा लिया करता था। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, और अब मैं बाहर का खाना खा खा कर ऊब चुका था। ऐसे ही एक दोपहर मैं अपने घर पर था। चूँकि उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं मजे से घोड़े बेचकर सो रहा था। इसी बीच घर के लैंडलाइन की घंटी बजी। मैंने उठकर लैंडलाइन के पास गया और रिसीवर उठाया तो सामने मेरा साला था जो मुझसे कह रहा था, हाँ जीजा जी, बहना और रोहित को ट्रेन पकड़ा दिया है, 9:45 बजे तक वो लोग वहाँ उतर जाएंगे। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर रिसीवर नीचे रख दिया। ये सुनकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम अब मुझे बाहर का बेस्वाद खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। लिहाजन मैंने फटाफट हाथ मुंह धो लिया और घर में ताला मारकर चाय की दुकान पर पहुंच गया। चाय पीकर कुछ देर वहीं दुकान पर ही बैठा रहा। रात के करीबन 9:15 बजे तक मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते पर चलते हुए मुझे काफ़ी तेज ठंड लग रही थी, क्योंकि ये जनवरी का पहला सप्ताह चल रहा था तो ऐसे में ठंड तो लाजमी था। तेज चल रही ठंडी हवाएं शरीर पर कांटे के समान चुभ रही थी। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था वो पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। रास्ते पर सिवाय मेरे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि उस दौर में अंधेरा होते ना होते वैसे भी पूरे गांव को खामोशी अपने आगोश में ले लेती थी। अपने कदमों को स्टेशन की तरफ बढ़ाते हुए मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज सच में इतनी ठंड है या फिर सिर्फ मुझे ही लग रही है। खैर, लगभग 10 से 15 मिनट और पैदल चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर टिकट कटवाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पर एंटर हुआ तो प्लेटफॉर्म में भी वो ही हाल था जो थोड़ी देर पहले उस रास्ते का था, यानी उस प्लेटफॉर्म को भी सन्नाटे ने अपने गोद में ले लिया था। खैर, मैं प्लेटफॉर्म पर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही मच्छरों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मच्छरों ने मेरे पैरों पर काटना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरे पैरों में जगह जगह पर सूजन आ गई थी। मैं बेंच पर पैर ऊपर करके बैठ गया और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगा, मगर वो प्लेटफॉर्म मच्छरों के गोदाम से कुछ कम नहीं था। मैं जितने मच्छर मार रहा था उससे दोगुना मच्छर फिर से आ जा रहे थे। उन जालिम मच्छरों से हार कर मैं वहाँ से उठ गया और प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ वहाँ टहलने लगा। मैं अभी टहल ही रहा था
कि मेरी नज़र उसी प्लेटफॉर्म पर थोड़ी दूर में लगी एक बेंच पर गई। उस बेंच पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी वाइफ बैठी हो। मैं उस औरत के थोड़ा करीब गया तो मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया। वो मेरी वाइफ ही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछते हुए कहा, अरे तुम यहाँ? पर अभी तो ट्रेन को आने में वक्त था। जिस पर मेरी वाइफ ने कहा, वो ट्रेन आज थोड़ी जल्दी आ गई। जिस पर मैंने कहा, पर रोहित कहाँ है? इस पर मेरी वाइफ ने कहा, वो उसकी नानी ने उसे रोक लिया। ये सुनकर मैंने कहा, पर साले साहब तो बोल रहे थे कि रोहित भी आ रहा है। जिस पर मेरी वाइफ ने कहा, वो उसने गलत बोल दिया होगा शायद। उसकी इस बात पर मैंने भी हामी भरी, जिसके बाद हम लोग वहाँ से घर के लिए निकलने लगे। रास्ते पर चलते हुए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी वाइफ को घर पहुँचने की जल्दी हो, क्योंकि वो चलते वक्त बहुत लंबे लंबे कदम ले रही थी। थोड़ी ही देर में हम लोग घर के दरवाजे पर पहुँच गए। मेरे ताला खोलते ही मेरी वाइफ जल्दी से घर के अंदर चली गई। मैं अभी बेड पर बैठा ही था कि मेरी वाइफ ने कहा, कुछ खाइएगा आप? इस पर मैंने कहा, इस वक्त? जिस पर मेरी वाइफ ने कहा, मैं बनाती हूँ कुछ। मेरी वाइफ की ये सारी बातें मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि अमूमन वो कहीं से बाहर से आकर खाना बनाना नहीं चाहती है। खैर, मैंने सोचा कि शायद उसे भी भूख लगी होगी। कपड़े चेंज करने के बाद मैं किचन रूम की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने कि मेरी वाइफ क्या बना रही है। किचन रूम में दाखिल होते ही मैंने जो देखा उसे देखकर एक पल को मेरी धड़कनें थम सी गई थी। वो चूल्हा जिसमें मेरी वाइफ खाना बना रही थी, उस चूल्हे में आग लकड़ी से नहीं बल्कि मेरी वाइफ के पैरों से जल रही थी। उस वक्त मैं बेहद डर गया था, यहाँ तक कि मेरे शब्द पेट में ही अटक गए थे। मैंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर कर लिए। मैंने बाहर भागने के लिए अभी अपने घर का दरवाज़ा खोला ही था कि मेरे सामने मेरी वाइफ खड़ी थी, जो मुझे गुस्से से कह रही थी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैं भागकर किचन में गया तो वहाँ वो औरत, या यूं कहें तो वो चुड़ैल नहीं थी। उस दिन के बाद से मैं ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर ऐन वक्त पर मेरी वाइफ घर ना आती तो वो चुड़ैल ना जाने मेरे साथ क्या करती। तो दोस्तों, ये थी रूपेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।